ओके, स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स का ये एक पार्ट है। टोटल चार पार्ट्स हम सॉरी तीन पार्ट्स हम करने वाले थे। सबसे पहले वेक्टर, उसके बाद हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन जो आज टॉपिक है, उसके बाद एक इंटीग्रेशन करेंगे और एक रहने वाला है हमारा स्पेशल लेक्चर। एक ही लेक्चर होगा ये। स्पेशल लेक्चर में हमारे पास बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे लॉगरिथम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज और भी बहुत सारी चीज़ें, कि एंगल क्या होता है, एक सॉलिड एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में लास्ट में, ठीक है। उसमें तो अभी टाइम लगेगा, अपने दो वीडियोज जो है दो लेक्चर जो है हमारे डिफरेंशिएशन के उसको कंप्लीट करते हैं पहले। डिफरेंशिएशन हमारे पास सिंपल सा क्या है, पहले मैथमेटिक्स पे आने से पहले फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में हमारे पास डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे है, हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास होती है वेलोसिटी, हमें पता था ये, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसी एक और चीज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पता क्या होता है हमारे पास, ये होती है एक्सेलरेशन। ऐसे हमारे पास और चीजें भी हमने डिफाइन की, याद है लास्ट टाइम में मैंने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे न्यू क्वांटिटीज डिफाइन की थी, वैसे हम न्यू क्वांटिटीज बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन एज वेल, ठीक है। जैसे और भी क्वांटिटीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पता क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम पावर, ये हमारे पास हमने डिफाइन कर दी पावर। हमने फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड तो लिख दिया, समझ नहीं आ रहा था इसका करें क्या। फिर हमने मैथमेटिक्स वालों के पास गए, वो ना एक चीज यूज करते हैं जिसे हम वर्ड को कहते हैं स्लोप। क्या सुना हुआ, स्लोप वर्ड, स्लोप। ये स्लोप हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती है, मान लो अभी के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, कोई भी दो पॉइंट ले लो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स वन एक्स टू और ये है वाई वन वाई टू। ये मैथमेटिक्स वाले पता क्या कहते थे, ये ना एक चीज डिफाइन कर देते हैं जिसे कहते हैं m, ये m को ऐसे डिफाइन करते थे m2 y2 minus y1 x2 minus x1, इस चीज को ना ये स्लोप कहा करते थे। और ये स्लोप भी क्या रिप्रेजेंट करती थी, रेट ऑफ चेंज। अब हम फिजिक्स वाले क्या करते हैं, अब मैथमेटिक्स वालों ने चीज बना दी, उठा लो वहां से, हमने चीज यूज कर ली स्लोप अपनी फिजिक्स में। यूज कैसे करते हैं ध्यान से देखना, क्या है कि मान लो यहां पे हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना है, थीटा, किस वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें बात समझ आ गई। यही तो है वो वाई टू माइनस वाई वन, टू कर ले हम खड़े, तो वापिस आते हैं, वाई टू माइनस वाई वन और यहां पर ये प्लेस हमारे पास कितना है, x2 माइनस x1। इस y2 माइनस y1 को कभी कभी हम जल्दी जल्दी में डेल्टा y और इसको कभी कभी डेल्टा x भी लिख देंगे। जब भी मैं फिजिक्स में किसी चीज के साथ लगाऊं डेल्टा, उसका मतलब हमारे पास होता है चेंज, ठीक है। तो इस चेंज को अगर मैं लिखना चाहूं, अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, तो tan थीटा यूज करूंगा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्लोप को। हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, सिर्फ ज्योमेट्री यूज की, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री यूज की, ठीक है। तो हम एक ही चीज को दो तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को और बड़ा कर दूं और यहां पे कोई दो पॉइंट ले लूं, अभी भी एंगल कितना है, थीटा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या मैं जहां पे मर्जी ले लूं ये दो लाइंस, कहीं पे कोई भी दो पॉइंट ले लूं, एक चीज है जो इसमें सेम रहेगी, पता क्या, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज हमेशा ही कॉन्स्टेंट रह रही थी इस लाइन पे, इसीलिए ये बड़ी स्पेशल चीज थी, इसलिए इसको हमने एक नाम दे दिया स्लोप। एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, ये जो m की वैल्यू, सॉरी ये जो m की वैल्यू हमारे पास, ये जो स्लोप जिसे हम कह रहे हैं, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा। अरे तुम कहोगे y2 y1 तो चेंज हो गए, x2 x1 तो चेंज हो गए, लेकिन लेफ्ट साइड तो देखो थीटा तो नहीं चेंज हो रहा ना कभी, इसका मतलब कभी स्लोप चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ आते हैं, तो यही चीज हमने फिजिक्स में यूज कर ली। आज के बाद मुझे कभी भी वेलोसिटी लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। लो तो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने यूज कर लिया एक न्यू टूल जिसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, जब बहुत ही छोटा चेंज हमें रिप्रेजेंट करना होगा इसी को ही बना देंगे dx अपॉन dt। ये कोई भी चेंज है, ये हमारे पास बहुत स्मॉल चेंज है, ठीक है। इतनी छोटी सी कहानी थी जिसको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, आई होप कि यहां तक क्लियर हो। उसके बाद ये तो पूरी कहानी हो गई कि स्लोप होता क्या है, ये सारी चीजें, इस स्लोप की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्लोप,
इजी चीज है, आराम से समझेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। मान लो ये हमारे पास ना एक कर्व है, कर्व बनाते हैं कुछ, मान लेते हैं ऐसे, ये हमने कर्व बना ली, ठीक है। यहां पे बताओ अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाना चाहूं कुछ ऐसे, एक काम करते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही ज्वाइन कर दिया। बताओ इसमें ये जो लाइन मैंने बनाई है, इसमें ये जो थीटा होगा ये एक्यूट है ऑब्ट्यूस है? एक्यूट। और एक्यूट के लिए मतलब 90 से छोटा के लिए ये जो टैन थीटा होता है ये कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब एक चीज हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जब जब थीटा क्या होगा 90 से छोटा, ये टैन थीटा क्या होने वाला है? पॉजिटिव। और ये एम क्या होने वाला है? पॉजिटिव। तो आज के बाद हम कहेंगे स्लोप इज पॉजिटिव। कब? जब थीटा क्या होने वाला है? 90 से छोटा। बात समझ आ गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया कि हम इसको ऐसे ना करके, अगर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन लगाते तो ऐसे कुछ, ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूं। अब यहां से अगर मैं थीटा देखूं ये कितना है? 90 से बड़ा। और सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा नेगेटिव। मतलब स्लोप क्या आ गया? नेगेटिव। तो हमें दो बातें तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट पता लग गई कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या स्लोप जीरो भी हो सकता है? हाँ, अगर तुम यहां पे एक लाइन लगा दोगे तो अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? जीरो डिग्री। पैरेलल लाइंस, पैरेलल के बीच में तो थीटा क्या होता है? जीरो। तो थीटा जीरो के लिए स्लोप क्या होता है? जीरो। मतलब हमें पता लग गई बेटा तीन वैल्यूज पॉसिबल है स्लोप की। क्या स्लोप कभी इंफाइनाइट भी हो सकता है? हाँ, मैं बताता हूं कैसे। अब क्या होगा अगर मैंने यहां पे एक ऐसे लाइन लगा दी तो क्या ये 90 बन गया? और 1090 इनफाइनाइट, पता है नॉट डिफाइन भी कभी कभी लिखते थे उसे हम। लेकिन 1090 हमारे पास क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 पे स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास होते हैं स्लोप की पूरी कहानी। और हम स्लोप को बहुत 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 सारी जगह पे यूज करने वाले हैं, इसलिए अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लो इसको पहले। देखो यहां तक कोई तुम्हें दिक्कत लग रही है या बताऊं थोड़ी थोड़ी छोटी और बातें? कोई लगी यहां पे सीखने वाली बात? हाँ, इसके बाद ज्यादा उतनी डीप तो नहीं जाएंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आए कहां से, कैसे आ रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं सीधा सीधा फॉर्मूलाज याद कर लो, जो रूल्स तुम्हें सिखाने वाला हूं उन रूल्स को याद कर लो। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? हाँ, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? यहां पर लिख लेते हैं फॉर्मूलाज। सबसे पहला रूल हमारे पास होता है कि कभी भी तुम्हें डिफरेंशिएशन करनी है x रेज टू पावर n की विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर पता क्या आता है? n x n माइनस वन। अब ये कहां से आया मैं बता सकता हूं, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब मैथमेटिक्स वाले सिखाएंगे तो दो बार मेहनत क्यों करें? वो तो तुम्हें पूरा बताएंगे इसका डेरिवेशन निकाल के कि ये कहां से आया। बस हम तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पर क्या है x, तो यहां भी क्या होना चाहिए? x। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहां पर कुछ है, मान लेते हैं यहां पे कुछ x की पावर 3 है और तुम्हें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आंसर? 3x स्क्वायर। छोटी छोटी सी बातें हैं। मान लें यहां पे होता d बाई डी टी और यहां पे होता x, अब क्या आएगा आंसर? 1। क्यों? या t है या x है, जीरो आना चाहिए था। लेकिन फिजिक्स में इसको क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी। वैसे बेटा यहां पे जीरो आना चाहिए था क्योंकि इसकी इसके साथ डिफरेंशिएशन तो नहीं हो सकती। हाँ, ये हमें, लेकिन फिजिक्स में इसको क्या डिफाइन करते हैं हम? वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है यहां तक? हाँ। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे को ये कहता है कभी भी मान लो डिफरेंशिएशन साइन एक्स की करोगे तो आंसर क्या आएगा? कॉस एक्स। अब रटने वाला काम आ गया। मैं नहीं कहता फिजिक्स में ज्यादा चीजें याद करो, बट जितनी बोल रहा हूं उतनी तो एटलीस्ट याद कर लो। यहां पे कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन याद कर लो माइनस साइन एक्स। एक और मैं बताता हूं टैन की भी कर लो। टैन की पता क्या होती है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। टैन की भी याद कर लो, ये हो गई सीकेंट स्क्वायर एक्स। बाकी जिसकी भी जरूरत पड़ेगी ना कभी हमें कि कोसेकेंट सीकेंट, वो साथ के साथ बता दूंगा। ज्यादातर फिजिक्स में यही यूज होने वाली, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ मैं बता रहा हूं, एक और चीज याद कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, इसकी होती है 1/x। अच्छा, लॉग भी हमारे पास ना दो तरह के होते हैं। देखो ना, फिजिक्स में इसका यूज है ज्यादा, ठीक है, और ना तो हमारे पास इतना ज्यादा कुछ सीखने का, लेकिन सिखाऊंगा मैं ही। तुम्हारा यूज पता कहां पे है? लॉग। लॉग यूज है मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों टीचर ही नहीं सिखाएंगे। पता नहीं, फिजिक्स वालों पे डाल देते हैं हमेशा, फिजिक्स वाले टीचर सिखाएंगे और मुझे ही सिखाना पड़ेगा, और सिखा देंगे, मुश्किल चीज नहीं है।
थोड़ी सी मुश्किल है ज़्यादा ही कुछ, ठीक है मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। एक दिन लगेगा इस पर कि लॉगरिथम होता है, उतना डीप नहीं जाएंगे बट सीख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लॉग एक्स की, और डिफरेंशिएशन एक बड़ा स्पेशल फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ई रेस्ट पार एक्स। एक लॉग होता है उसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। इसके बारे में भी बताऊंगा पूरी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल। तुम 1000 बार डिफरेंशिएशन कर दो, इसके आंसर क्या आएगा, ई एक्स। ऐसा फंक्शन होता है, तो बड़ा सही, ये तो बड़ा खतरनाक सा फंक्शन है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया था? Yes. कराया था, उसमें ऐसी एक इक्वेशन आई थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो, याद है कुछ? Yes, sir. अगर मतलब एग्जैक्ट नहीं भी याद तो ऐसी इक्वेशन आई थी, डी स्क्वायर ओमेगा नहीं था बेटा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था ना, उसको कंपेयर कर लिया था। फिलहाल के लिए मान लो ये इक्वेशन आई, ऐसा कोई फंक्शन सोच सकते हो जो इसमें मैं डाल लूं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए? वो याद है हीट एंड ट्रायल मेथड, याद है कुछ? वो हम करते थे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक नंबर डाल के देखा नहीं हो रहा साइड, नहीं हो रहा साइड, अच्छा ये करके आ जाओ, ऐसे करते थे। वही वाला एक ना काम करके देखते हैं, क्या ई रेस्ट टू पावर एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, आ जाओ देखते हैं। दो बार डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स की करूंगा तो क्या आएगा, अरे x की जगह रखूंगा ना e raised to power x, तो क्या आ जाएगा इसका, e raised to power x ही आ जाएगा, पता चल गया हमें, plus k by m, x को क्या मान के चले थे, e raised to power x equal to zero, यहां से e raised to power x common आ गया, बीच में क्या बचा, 1 plus k by m, बेटा कर गया satisfy। मेरे ख्याल से अभी तो सिर के ऊपर से निकल गई होगी बात, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने किया क्या। ऐसा मैंने फंक्शन ढूंढा जिसको मैं दो बार मल्टीप्लाई करूं तो वो सेम ही चीज आ जाए जो वो पहले था, मतलब जिसकी मैं दो बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो दोबारा वही बन जाए तो जो स्टार्टिंग में लेके चला था। क्या ऐसा और कोई फंक्शन भी होता है? हाँ हाँ, साइन, पहले साइन की बात करते हैं, साइन भी ऐसा होता है। साइन की डिफरेंशिएशन करो आंसर क्या आएगा, कॉस। अभी बात नहीं बनी, अरे वो तो कॉस में बदल गया, बदलना थोड़ी चाहिए था, लेकिन हमें एक डेरिवेटिव थोड़ी चाहिए, हमें तो दो चाहिए। एक और बार करो, कॉस की क्या होती है, माइनस, मिल गया भाई वापस। वो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था, दो सॉल्यूशन हो गए, क्या तीसरा हो सकता कोई? हाँ हाँ, कॉस भी हो सकता, कॉस की करो साइन, साइन की करो कॉस, वापस वो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन के कुछ भी लगा दो इसके साथ, कुछ भी रैंडमली, तो वो इसका सॉल्यूशन, मतलब इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और एक बात बताऊं क्या, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं एक इक्वेशन के, इसीलिए मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल होती है सॉल्व करनी, इसीलिए बताया था। दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अपने सिलेबस में है थोड़ी सी मैथमेटिक्स के कोर्स में, ऐसी मैंने हवा में नहीं बोल दी, वो नहीं है सेकंड डिग्री की, नहीं है इसे सेकंड डिग्री की कहते हैं, फर्स्ट डिग्री वाली तुम्हारे सिलेबस में है, उसे करोगे तुम सॉल्व मैथमेटिक्स में, लेकिन अपने लिए तो इतना काफी है, इससे ज्यादा तो हमसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये स्लोप होता है, स्लोप चार तरह के हो सकते हैं, 90 से छोटा, एक ही कर्व में मैंने सारे तुम्हें बना के दिखा दिए शायद, ये सारे हमारे पास, यहां पे स्लोप क्या है हमारे पास, जीरो, यहां पे स्लोप क्या है, लेस देन जीरो, यहां पे स्लोप क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और यहां पे स्लोप क्या है, इनफाइनाइट। चारों एक में ही बना के दिखा दिया मैंने तुम्हें, बात समझ आ गई यहां तक। उसके बाद हमारे पास मुझे चलना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा पे, ये नहीं अपने काम का, इतना ज्यादा ये नहीं यूज होगा हमारे पे, तो मेन जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला ना, कोर कॉन्सेप्ट वो होने वाला है मैक्सिमा मिनिमा, तो हम उस पे चलते हैं। उससे पहले ये देखो इसमें कुछ है नोट करने का, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर अपना मैक्सिमा मिनिमा पे। अच्छा मैक्सिमा मिनिमा पे आने से पहले थोड़े रूल सीख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एडिशन रूल। एडिशन रूल मान लो हमारे पास एक या दो तरह के फंक्शन मिक्स करके दे दिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास उसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो मैं फिजिक्स का ये एग्जांपल लूंगा, वेलोसिटी तुम्हें कुछ ऐसे दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, मान लो ऐसे दी, या माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसे, मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन, कैसे निकालू, अब ध्यान से देखते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें न्यू सीखने वाली हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से। डीवी अपॉन डीटी होता है इसका फॉर्मूला, डी अपॉन डीटी, अच्छा मैंने x का फंक्शन दिया बेटा ध्यान से देखना, ये भी कर सकते हैं, dv अपॉन dt होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन यहां तो t आ गया और फंक्शन किसका, x का, क्या करें, डिफरेंशिएशन तो नहीं कर पाएंगे, जीरो लिख के आ जाओगे, थोड़ा कुछ सोचते हैं। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, इसको लिख दूं dv अपॉन में dx और इसको लिख दूं dx अपॉन में dt, कर सकता हूं ऐसा, क्यों,
dx से dx कट जाएगा, वही वापस मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहां पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये क्या चीज होती है, dx अपॉन dv, ये तो v होती है और dv अपॉन dx। बेटा ये काम करना पड़ेगा हमें काइनेमेटिक्स में। वेलोसिटी इस बार टाइम का फंक्शन ना देके किसका फंक्शन दे दिया, x का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आ जाओ करते हैं साथ में, v को तो छेड़ते नहीं, क्या dv by dx यहां से निकाल सकते हैं? हाँ, d by dx x square minus 2x plus 3, साथ साथ करेंगे, ये आ जाएगा v ब्रैकेट में x square की 2x माइनस 2 ऐसे ही रखेंगे। ये 2 ऐसे क्यों रखा, इसकी क्यों नहीं की बेटा, ये तो साथ है, हमें तो x से लेना देना है, प्रोडक्ट वाली चीज बाहर आ जाती है। x की कितनी हो जाएगी 1 प्लस में 3 की 0, तो आंसर मेरे को दिख रहा है ऊपर v की जगह लिख सकते हैं x square minus 2x plus 3 और साथ में लिख सकते हैं 2x minus 2 आंसर। अरे हम तो पजल हो जाते कि ये करें कैसे, तो डिफरेंशिएशन यहां पे भी काम आ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, हमारे पास ना काइनेमेटिक्स के 30 रिलेशन होते हैं, 30, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी चीज, 30 रिलेशन होते हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स में। अगर हमने वो 30 रिलेशन अगर दो दिन लगा के भी स्टडी कर लिया ना, पूरी PhD हो जाती है काइनेमेटिक्स पे। 30 रिलेशन मतलब अगर तुम्हें x t का फंक्शन दे रखा है तो क्या तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकता हूं, dx अपॉन dt। लेकिन अगर x तुम्हें फॉर एग्जांपल मान लेते हैं तुम्हें v फंक्शन दे रखा है x का, तो क्या तुम a निकाल सकते हो एज अ फंक्शन ऑफ x? ऐसे 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 करके हमारे पास 30 रिलेशन होते हैं, 30 सिखाएंगे तुम्हें, उसमें मेन यूज होगी हमारी डिफरेंशिएशन। अभी घबराना नहीं है सुन के कि मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है? और अगर हमने एक बार वो चीज कर ली बेटा, फिर कोई भी बुक तुम्हारे लिए इजी होगी, कोई भी बोल रहा हूँ, रैंडमली कोई भी बुक इजी होगी तुम्हारे लिए। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे मैं मान लो एक और एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें, वर्क डन गिवन है 2t² - 3t + 5 प्लस में log t प्लस में e की पावर t, सारा ही दे दिया मैंने इसमें ना, माइनस में साइन एक्स, और भी डाल सकता हूँ, प्लस कोस एक्स प्लस ये वो कुछ भी डाल दो, हमें तो सीधा सीधा पता, फाइंड पावर, एक ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पावर फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साथ साथ करते हैं 2 ऐसे ही टी स्क्वायर की 2t माइनस 3 ऐसे ही टी की 1 5 की 0 लॉग की 1/t और इसकी सेम इसकी यहाँ कितनी आ जाएगी cos t आंसर। बात समझ आ गई? इस पे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किया हुआ हमने सारा कुछ पहले, और वैसे भी नहीं भी गया तो रिवाइज हो गया, ठीक है? यहां से एक चीज हमें सीखने को मिली, मैं साइड में लिखवा देता हूँ नोट डाल के, कि दो बातें पता लगी कि मान लो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स की और साथ में ऐसा कुछ के एक्स पड़ा हुआ, के की जगह नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सिंपली क्या करते थे, ये नंबर को उठा के बाहर रख दो, डिफरेंशिएशन किसकी कर दो, एक्स की। अरे ऐसे ही तो करते थे हम, है ना? ये 2 को उठा के बाहर रख देते थे और डिफरेंशिएशन कर देते थे एक्स की, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, मान लो एन। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा हम यहां से ये सीखे ये क्वेश्चन से कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होती है, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। दो बातें यहां से सीख गए, साइड में लिख लेंगे ताकि दोबारा कभी भी रिवाइज करें, यहां से पता लग जाए क्या हुआ क्वेश्चन में। बात समझ आ गई? दूसरे रूल पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास होता है कि अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, मान लो एक्स के, मैं टी लेके चलूंगा, ज्यादातर हम टी यूज करेंगे, मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं टी के, एक यू है एक वी है, दोनों कुछ टी का फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ध्यान से देखेंगे। यू वी की कैसे होती है, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले की डिफरेंशिएशन, बहुत इजी, बहुत से ज्यादा दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं करेंगे, दो क्वेश्चन हम क्या करें, पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ई इंटू ई रेस टू पार एक्स, मान लो ये दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है x into e raised to power x, हाँ बोलो, हाँ क्या, पहले इसको लिख दो, पहले इसको लिख दो, किसी को भी लिख दो, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। e x in मैं t का फंक्शन लेना चाहूंगा, t e raised to power t, इसकी डिफरेंशिएशन करके बताओ मुझे विद रिस्पेक्ट टू t, कैसे करें? पहले t ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to power t, फिर e raised to power t ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ t। अरे तो बहुत इजी था,
टी, इसकी डिफरेंशिएशन e की पावर टी प्लस e की पावर टी और 1, दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचा टी प्लस 1, लो हमारे पास आंसर आ गया। एक और करना चाहेंगे हम, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। मान लो कुछ फंक्शन दे रखा है वी ई रेस टू पार वी, अरे कुछ भी हो सकता है, करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी, क्या होगा, सॉरी इसकी जगह कोई और लेते हैं इस बार, साइन वी ई रेस टू पार वी। अब करो डिफरेंशिएशन, कैसे करें, साइन वी ई रेस टू पार वी, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, मेरे को तो आता है इसकी डिफरेंशिएशन साइन वी ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू पार वी प्लस ई रेस टू पार वी ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वी, क्या आ जाएगा यहां पे, ई रेस टू पार वी आगे लिख देते हैं, साइन वी सेम होती है इसकी, और नेक्स्ट ई रेस टू पार वी साइन की कॉस वी, आंसर। अब तुम कहोगे वी कहां से आ गया, अरे मैं तो कुछ भी मान लिया, तुम्हें यहाँ पे x, y, z, a, b, c, d कुछ भी लिख लो, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। बात को यहाँ तक दिक्कत, हाँ। तो ये हमारे पास दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, सारी चीजें पहले सीख चुके हो, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन से। तीसरी चीज पे आते हैं जिसे कहते हैं कोशेंट रूल, मैं तो कह रहा सिर्फ इसके फॉर्मूलाज याद रख लो, अपने उससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। कोशेंट रूल उतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला, मेन हमारे पास जो यूज होगा वो हमारे पास है चेन रूल, जैसे अगला है, लेकिन कोशेंट रूल फिर भी अगर लिख ही लिया तो एक बार नोट्स बना ही रहे हैं तो कंप्लीट करते हैं। दो फंक्शन है मान लो एक्स के, तो इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, यू अपॉन वी लिखते हैं यहां पे, इसका होता है वी स्क्वायर, फिर यू वी ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ वी। एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेते हैं, ऑल्दो अपने इतने ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। और मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहा, मैथमेटिक्स में सिखाएंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स अपॉन में एक्स, आ जाओ करते हैं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इससे ज्यादा नहीं, साइन एक्स अपॉन में एक्स, कैसे करें इसकी डिफरेंशिएशन, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर क्या करेंगे एक्स ऐसे ही, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस माइनस, फिर साइन ऐसे ही एक्स की डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, आंसर। एक और कराने की जरूरत, पक्का, चलो आ जाओ चेन रूल पे चलते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास चेन रूल, इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा है, इसलिए सारा दिमाग यहीं पे। बस इनके रूल भी लिख लोगे तो अपना उससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने चेन रूल पे, जो मेन है अपना सीखने का आज का चेन रूल। अब ये चेन रूल हमें क्या कहता है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, मैं बता रहा हूं इसका फॉर्मूला तो जिंदगी में नहीं कभी समझ आएगा, फॉर्मूला से बताऊंगा तो आएगा एग्जांपल से, लेकिन फिर भी लिख देंगे नोट्स बनाने के लिए। मान लो एक u है विच इज अ फंक्शन ऑफ v, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, सबसे पहले u की डिफरेंशिएशन, देखते जाना बस, सबसे पहले करेंगे u की डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v, आया फॉर्मूले से समझ, है ना, ये उतना ही मुश्किल फॉर्मूला जितना लग रहा है, तो फॉर्मूले से हमें कभी समझ नहीं आएगा, दिमाग लगाते हैं, दिमाग से समझ आएगा। मैं एक ही क्वेश्चन को बहुत सारी तरह से कराने लगा हूं, तो आराम से बैठ के पहले समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, तो कैसे करूं देखते हैं, आ जाओ, मुझे लिखना है dy by dx। सबसे पहले तो ये ढंग से हमने लिखा ही नहीं हुआ, इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐसे लिखो ताकि हमें समझ आए, ध्यान से समझना, 3-4 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस इसकी। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करूं, सबसे पहले ना साइन एक्स है ना बीच में, इसको दिमाग में ऐसे सोच लो कि ये साइन एक्स नहीं है, क्या है, एक्स ही है, दिमाग में सोच लो कि ये साइन एक्स नहीं है, एक्स ही है, एक्स होता तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, हमारे दिमाग में साइन x को क्या मान रखा है, x, क्या क्वेश्चन खत्म, नहीं, अभी वो जो x मान रखा था दिमाग में, x थोड़ी था, क्या था, साइन x, अब डिफरेंशिएशन किसकी कर दो, साइन x की, कितना आएगा 2 साइन x, साइन की cos x। अब तुम कहोगे इस x की भी तो करनी चाहिए फिर आपको, इस तरह से x ही करो, कितनी होती है 1, ना लिखो, कर भी सकते हैं उस x की भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, धीरे धीरे आएगा समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ साइन एक्स का स्क्वायर, क्या ये और ये सेम बात, नहीं,
ऐसा क्यों? इसमें साइन का स्क्वायर है, इसमें थीटा का स्क्वायर है। बात समझ आ गई? इसको कैसे करें, ध्यान से देखो। इसको ऐसे लिखते हैं dy वाई बाई डी एक्स। इसको दिमाग में मैं सोचने वाला हूं, साइन का होल स्क्वायर तो था नहीं, तो इसका ऐसे सोच लेते हैं साइन एक्स ही पड़ा हुआ। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स, ठीक है। और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास कॉस एक्स पड़ा हुआ है, अभी हम इसको एक्स मान के चले थे, अब डिफरेंशिएशन किसकी करें? एक्स स्क्वायर की। तो क्या होती है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। तो आंसर बनने वाला 2x कॉस एक्स का स्क्वायर। मैंने बताया चेन रूल थोड़ा सा मुश्किल है। एक और करते हैं इस पे क्वेश्चन। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे दिया इस बार कॉस 2x, इसकी कर सकते हो तुम कुछ से? चलो आ जाओ dy by dx। पहले दिमाग में क्या सोचो, क्या लिखा है? cos x ही लिखा हुआ। हमें तो ये पता है कि ये क्या लिखा है, cos x ही लिखा हुआ। अगर cos होता तो डिफरेंशिएशन क्या आती? sin x। अभी क्वेश्चन खत्म क्या? नहीं, ये 2x की डिफरेंशिएशन करो कितनी होती है? मेरे ख्याल से तो 2 होती है ना, x की 1 हो जाएगी, 2 बाहर आंसर। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी हमें। एक और करेंगे, एक और इस पे क्वेश्चन करेंगे। तब तक क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक हमारे बिल्कुल नेचुरली आने नहीं लग जाएगा इसका आंसर बिना मेहनत के। मान लो हमारे पास इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है e raised to power 2x। अब करो बेटा, क्या इसको सिंपल लिख दूं? e raised to, सेम ही आती है इसकी डिफरेंशिएशन? मेरे हिसाब से नहीं। किसकी आती थी सेम? वो तो e raised to power x होता था, ये तो e raised to power 2x है। इसकी कैसे करें? तो दिमाग में क्या सोचे कि ये e raised to power x ही है। तो अगर ये e raised to power x ही होता तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती? सेम। लेकिन ये क्योंकि e raised to power x नहीं था तो अब किसकी डिफरेंशिएशन करूं? 2x की, जो कि क्या होती है? 2 आंसर। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 डाइजेस्ट करेंगे। एक और एग्जांपल, e raised to power माइनस एक्स। खुद से बताओ dy by dx, अगर ये e raised to power x ही होता तो क्या होती? माइनस e power x। क्या होती इसकी डिफरेंशिएशन? e raised to power माइनस x ही होती। अभी मैंने e raised to power x सोचा था, लेकिन ऊपर क्या है? माइनस x, जिसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है। एक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद नहीं समझ आया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ फिजिक्स में होता नहीं है, ठीक है? ऐसे ही बता दिया, मैथमेटिक्स है। इसको भी e raised to power x ही मान लेते है ना, और e raised to power x की डिफरेंशिएशन e raised to power x, बात समझ आई यहां तक? अब किसकी करें? साइन x स्क्वायर। इसको क्या मान लूं दिमाग में? साइन एक्स ही मान ले तो आंसर क्या आएगा? कॉस एक्स। क्या क्वेश्चन खत्म? एक और बार लगाते हैं, इस बार 3 वाला दे दिया। क्या मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी ये 3 बार भी हो सकता है? दिमाग में आ गया खुद से, इस बार आ गया खुद से। जब तक एक्स नहीं ना बन जाता तब तक करते रहेंगे। अब क्या आएगी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की? लो बेटा आंसर आ गया। पूरी मेहनत लगी अपनी, लेकिन आंसर हमने निकाला बिल्कुल सही, वो भी e raised to power sin x square। अब समझ हम जाके कि चेन रूल होता क्या। तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो जब तक क्या ना आ जाए? x ना आ जाए। बात समझ आ रही है यहां तक? हाँ। तो ये हमारे पास था चेन रूल, जो सबसे मुश्किल वाला काम था हमने कर लिया, अब इजी है। हाँ एक आधा क्वेश्चन और दे, खुद से करके देखो, आ जाओ। मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू क्वेश्चन है log x का स्क्वायर। अब करना log x का स्क्वायर, धीरे धीरे करो इसको, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो। पहले इसको दिमाग में रखो कि ये log x ही गिवन है। हाँ 1/x, बिल्कुल सही बोल रहा, ट्राई करके देख, होगा। ऐसे थोड़ी कोई मैंने इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं दिए है। पता नहीं क्यों मेरे को भी 2 सही लग रहा है, शायद 2 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए 2/x। देखना 2/x आना चाहिए शायद, मेरे को तो ऐसा लग रहा। हाँ अगर मैं दिमाग में सोच लूं कि ये क्या गिवन है log x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/x स्क्वायर। अभी खत्म क्वेश्चन, किसकी करूं अब?
एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की क्या होती है, वो ऊपर लिखू नीचे, ऊपर लिखेंगे वो तो एक एक्स एक्स खत्म, टू बाई एक्स आ रहा मेरा तो आ रहा है। एक और करेंगे, अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, मान लो साइन स्क्वायर एक्स, करो बेटा प्योर मैथमेटिक्स, कोई फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, करते हैं आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स उसका थीटा का भी स्क्वायर, अगर ये कर दिया तो बस इसके बाद नहीं कराऊंगा मैं, इसमें ना इसका होल स्क्वायर गिवन था, हमने ऐसा सोच लिया कि ये जो अंदर पड़ा ना इसको थोड़ी देर के लिए एक्स ही दिमाग में मान लिया कि एक्स ही दिया हुआ, अगर ये एक्स होता तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, लेकिन हम इसको एक्स मान के चले, एक्स था थोड़ी, अगर एक्स नहीं है तो उसकी एक और बार डिफरेंशिएशन करो, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। आ गया आंसर, आ जाओ मैच करते हैं सारे, देखो जिसको नहीं समझ आया एक और बार समझेंगे, यहां से ट्राई करेंगे समझने की, डी वाई अपॉन में डी एक्स, मेरे ख्याल से तुम्हें ना इसे ऐसे लिख लेना चाहिए था, ऐसे तो तुम्हारी शायद कुछ हेल्प हो जाती, ऐसे किया साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेते, अब मैं बीच वाली चीज को क्या मान लूंगा एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, क्वेश्चन खत्म। किसका करूं अभी, साइन एक्स का करेंगे, अंदर जो ब्रैकेट थी उसका करो एक और बार, तो मेरे ख्याल से आने वाला है कॉस एक्स, क्वेश्चन खत्म। किसकी, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, इसकी कितनी होगी 2x, तो मेरे ख्याल से 4x साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर, कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स से, मैं प्योर मैथमेटिक्स, बात समझ आ गई, क्या चले हम मैक्सिमा मिनिमा पे, कुछ नोट करने वाला, चलो आ जाओ मैक्सिमा मिनिमा हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे, अभी अभी स्लोप वाली कहानी तो मैं सुना चुका हूँ, वैसे एक और बार सुनाता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पे स्लोप कितना होता है, अभी अभी बताया था जीरो, और स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें अभी अभी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स, अगर छोटा चेंज हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के, और तुम्हें नहीं लग रहा ये इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है इस कर्व की, है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं मैक्सिमा। लेकिन एक अजीब सी चीज दिखाऊं क्या तुम्हें, अजीब सी चीज ये है कि अगर मैं यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, अभी भी इसके साथ कितना एंगल है जीरो, तो अभी भी स्लोप कितना आ गया जीरो, लेकिन ये पॉइंट पे क्या है मैक्सिमा मिनिमा, इस बार है मिनिमा, अरे दोनों पे स्लोप जीरो है तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, कंडीशन तो पता लग गई कि स्लोप मतलब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, बात पता लग गई, लेकिन दोनों के लिए सेम ही तो है, मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, इसके लिए हमने मैथमेटिक्स वालों के पास दोबारा गए, उन्होंने हमें बताया कि तुम एक और बार डेरिवेटिव कर दो, जो डबल डेरिवेटिव होता है अब हमें वो हेल्प करेगा कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, आज के बाद जब भी हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया तो हमारे पास होता है मिनिमा, थोड़ा सा अजीब है ये ध्यान से, ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा और स्मॉलर देन जीरो पे क्या होता है मैक्सिमा, ऐसा क्यों, ये तो उल्टा लग रहा है ना, इस पे होता है मैक्सिमा। अब कैसे क्यों ये भी देख लेते हैं, अगर तुम यहां वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ जाओगे तो वैल्यूज बढ़ेंगी कम होएंगी, बढ़ेंगी, इसीलिए तो देख ग्रेटर देन जीरो आया, जब तुम टॉप से नीचे जाओगे वैल्यूज बढ़ेंगी कम होएंगी, इसीलिए तो लेस देन जीरो आया, है ना लॉजिक, हाँ तो हमें समझ आ गई। अब इसको करते कैसे हैं, यहां से समझ थोड़ी आएगा, छोटा सा एक मैथ का क्वेश्चन कराता हूं, जैसे मान लो यहां पे तुम्हारे पास y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, इतना ही गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मान लो, ठीक है, मुझे बताना है कि इसका मैक्सिमा मिनिमा कहां पे होगा पहले ये, और फिर कितना होगा ये भी बताना है, करते हैं साथ में। सबसे पहला कंडीशन क्या होती है, dy by dx निकाल लो, हम निकाल लेते हैं 2x plus 2, दूसरी कंडीशन इक्वल टू किसके रख दो जीरो के, तो x कितना आ जाएगा 2x is equal to minus 2, मेरे ख्याल से x equal to minus 1। अब इसमें मैक्सिमा या मिनिमा देख लेते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करें, एक और बार डेरिवेटिव करो, एक और बार डेरिवेटिव मतलब ये जो आया हुआ है ना इसी का एक और बार डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा 2, मेरे ख्याल से तो 2, एंड दिस इज क्या है ये मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा मेरे ख्याल से तो मिनिमा लग रहा है, पता नहीं क्यों है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या आ जाएगा मिनिमा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ फिर मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो हम जाते हैं वापस फंक्शन के पास,
फंक्शन पे गए x square plus 2x, क्या डाल दूं x की जगह? अगर मैं x की जगह minus 1 डाल दूं, क्या डालूं? कितनी वैल्यू आई थी x की? minus 1. अगर मैं minus 1 डाल दूं तो इस फंक्शन की सबसे कम वैल्यू कब आएगी? minus 1 पे. चाहे तो तुम ट्राई भी करके देख लो, इससे कम ला सकते हो तो गलत प्रूव मेरे को कर दो, तो 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी डाल लो, लेकिन सबसे कम इसकी वैल्यू ये रही minus 1. थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, तब एक क्वेश्चन और कराता हूं. थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बेटा? असली मजा तो स्लोप में आएगा अभी, ठीक है? एक और करते हैं, मेरे को पता है इसमें थोड़ी दिक्कत आने वाली है. मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, y रहन देते हैं इस बार. मान लो हमें दिया हुआ है y, फिर से y इज इक्वल टू साइन एक्स. मुझे बताओ इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब होती है? सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1. कब होती है? 90 पे. इससे निकाले, अरे ये भी तो यही कहता ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते. देखते हैं क्या पता ये भी हमारी हेल्प कर दे. पहला काम, dy by dx निकाला, कितना आया? cos x इक्वल टू किसके रखूं? 0 के. cos 0 कब होता है? अरे 90. cos 90 0 होता है, ठीक है? 90 पे 0 हो गया. डेरिवेटिव निकाल लो डबल, कितना आएगा? cos की डिफरेंशिएशन एक और बार करो, माइनस साइन. अब डालना x की वैल्यू यहां पे, कितनी आएगी? माइनस साइन 90, और साइन 90 1, और आंसर आएगा माइनस 1. माइनस 1 मतलब मैक्सिमा मिनिमा? मैक्सिमा. लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, और हमें पहले ही पता था 90 पे मैक्सिमम होती है. सही बता रहे हैं, ठीक है? टैन की देखें, वैसे तो जिंदगी खराब कर लेंगे हम टैन की निकाल के. टैन की मैक्सिमम वैल्यू, आ जाओ टैन लिखा. dy by dx क्या होता है? secant square x. फिर इक्वल टू क्या रखते हैं? 0. तो secant 0 कब होता है? secant 0 कब होता है? 0 पे. ओए 0 पे बेटा इनफिनिटी होता है, तो 90 पे होता है. 90 पे 1 होता है. secant 0 होता है? नॉट डिफाइंड आंसर. और नॉट डिफाइंड ही तो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी. ये आसान निकला है ना, हम तो ऐसे ही इसको दोष दे रहे थे. तो नॉट डिफाइंड, बात समझ में आ गई? अरे कैसे आया नॉट डिफाइंड? सेकंड की होती नहीं जीरो वैल्यू. होती है तो बताओ, कहीं तुमने देख लियो गलती से तो. इसका तो ग्राफ भी बड़े टेढ़े मेढ़े ऐसे सांप जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके टैन के. हम तो नहीं देखते इसको, हमारे बस के नहीं है फिजिक्स वालों के. बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा की और ये कहानी होती है. अच्छा एक और फंक्शन कराता हूँ तुम्हें. मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू ex होता, इसका कैसे निकालते? ex ही आता. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती? आ जाओ देखते हैं. dy by dx निकाला, आंसर क्या आया? ex इज इक्वल टू 0. बताओ ये कब 0 हो सकता है? एक्सपोनेंशियल कब 0 हो सकता है? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0, बताओ. नहीं नहीं नहीं, अरे जीरो रखेगा, e की पावर 0 तो 1 होती है. हो सकती है, बताऊं? हो सकती है. देखो अगर मैं x को इनफिनिटी डाल दूं तो क्या होगा? e रेस्ट पावर इनफिनिटी, तो इनफिनिटी होती है. गए, नहीं बनी बात. एक काम करते हैं, x को ना माइनस इनफिनिटी डाल के देखते हैं, क्या अब तक कुछ हो जाए? देखते हैं. e की पावर डाली माइनस इनफिनिटी, जो कि बन जाएगा 1/e की पावर इनफिनिटी. सही कर रहा हूं है ना? और 1/e की पावर इनफिनिटी बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर को 1 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा? नियरली 0. अरे 0 ही तो आता, मैथ में सीखोगा अप्रोचेस टू 0, आ गया 0. मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस इनफिनिटी. अरे हमने हाथ जोड़ दिए, हमारे बस की नई चीजें ना फिजिक्स में आएंगी. मैंने तो ऐसे ही बता दी स्टाइल मारने के लिए. 1/0 फिर भी इनफिनिटी, बेटा इनफिनिटी बन जाएगा x की जगह. हाँ माइनस 1/0. हाँ वो एक ही तो बात होगा, ये कैसी बात है ये. माइनस 1/0 स्टाइल मार रहा तो. बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा. इसके बाद फिजिक्स पे चले, चलो आ जाओ. नोट कर लो पहले इसको. चलो मैं एक बार ना समराइज कर देता हूँ सारा. सबसे पहला काम होता है dy by dx को रख दो इक्वल टू 0, जिससे हमें क्या मिलते हैं? कुछ पॉइंट्स मिलते हैं x1, x2, x3. अभी तो हमें एक ही पॉइंट मिल रहा था इतनी देर से, है ना? क्या पता दो पॉइंट आ जाएं, तो क्या पता एक पे मैक्सिमम एक पे मिनिमम, है ना? ऐसे भी हो सकता है. तो जितने भी हमारे को पॉइंट मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स.
क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब इन पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्या जरूरी है सब पे ही मैक्सिमा हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी पे मैक्सिमा होगा, किसी पे मिनिमा होगा। और वो कैसे पता लगता है मैक्सिमा मिनिमा? वो लगता है सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है, अगर लेस देन जीरो हो तो मैक्सिमा और अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमा। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना कि इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा। मैथमेटिक्स हमारे पे नहीं यूज है उसका। इक्वल टू जीरो हो तो उसमें होता है टेस्ट फेल। हाँ, ये इसे टेस्ट कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैथमेटिक्स में। फिर हमें न्यू रूल्स लाने पड़ते हैं। हो जाता कभी? हाँ हो जाता, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है। और करेंगे कंडीशंस, मैथ में तो सब कुछ करना होता है ना। लेट अस सपोज देयर इज एन डायमेंशनल स्पेस, तो उस पर हम नहीं चलते। बात समझ आ गई हमें यहाँ तक, मैक्सिमम मिनिमम। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमें दे रखा है काइनेमेटिक्स का। टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, फाइंड रिटार्डेशन। फाइंड रिटार्डेशन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, साथ में करेंगे। फाइंड रिटार्डेशन, बेटा अभी तक तो एक्स फंक्शन आता था टी का, इस बार क्या है, टी फंक्शन है एक्स का, और निकालने का रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन है ना। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक्सेलरेशन निकालो एज अ फंक्शन ऑफ वी। फसा दिया है ना। और एक तो मैंने टी का, टी किसका फंक्शन दिया, एक्स का, और निकालना क्या ए एज अ फंक्शन ऑफ वी। पूरा ऐसे नहीं कर दिया तो मैं इन्फिनिटी बना के, है ना। चलो आ जाओ करते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, जितना लग रहा है उतना कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, मैंने इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। फायदा क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में करने से ये होगा कि मेरे को किसी ना किसी तरह ना dx by dt मिल जाएगा, और dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी। कम से कम वेलोसिटी तो मिले, बाकी बाद में देख लेंगे। आ जाओ, मैंने डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू, बड़ी ध्यान से देखना, न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी यहां से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैंने टी की डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू टी, आंसर क्या आएगा, टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी की क्या आंसर आएगा, वन। फिर मैंने इसकी टी के रिस्पेक्ट में की, फिर मैंने इसकी टी के रिस्पेक्ट में की, और ये कौन सा रूल लगा रहा हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल। अरे एडिशन में ये तो होता था सबके अलग अलग कर दो डिफरेंशिएशन, साथ में करते टी की वन। और यहां पे अल्फा बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट, अभी अभी बताया था कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर की 2x, लेकिन बात नहीं बनी। चेन रूल क्या कहता था, 2x तो कर दी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के, तो अभी यहां पे आएगा dx अपॉन dt। हमें नहीं पता ये क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले होते हैं इसे जीरो लिख के भाग जाते हैं, हम फिजिक्स में, हमें पता है ये क्या होता है, वेलोसिटी। घुमा दिमाग, एक न्यू चीज सीखने को मिली। प्लस बीटा बाहर एक्स की डिफरेंशिएशन पता नहीं, अरे टी के रिस्पेक्ट में, अच्छा हमें नहीं पता, जिस चीज का नहीं पता उसे छेड़ाखानी करनी नहीं, ऐसे ही लिख दो। बात समझ आ गई, मैथ वाले होते तो क्या लिखते, जीरो, हम क्या लिखेंगे डीएक्स बाई डीटी, वी। थोड़ा दिमाग में घुस रही है बात, धीरे धीरे घुसेगी, ऐसे दो तीन क्वेश्चन करेंगे। वन इज इक्वल टू टू अल्फा एक्स है मुश्किल, ऐसे नहीं कि तुम्हें ही नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक बार समझोगे, अगर समझ आ गया ना तो ये समझ लो कि एक अचीवमेंट है। पहले मैंने क्या किया, अल्फा को बाहर निकाला, 2x की डिफरेंशिएशन होती है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, लेकिन x के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो अभी dx by dt आएगा। हमें नहीं पता क्या होता है, मतलब अभी तक तो मैथमेटिक्स थी ना, मैथ वालों को तो यहीं तक आता था बाकी फिजिक्स वालों का काम। अब हमें पता था dx by dt होता है v, और ये भी क्या होता है, v। आ जाओ करते हैं, यहां से आ गया वन इज इक्वल टू टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, कॉमन क्या आ रहा है, वेलोसिटी, तो यहां पे v कितना आ जाएगा, 1/2 मेरे ख्याल से आ जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बड़ा ही गंदा रिजल्ट आया। अब क्या करूं, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, एक्सेलरेशन कैसे निकालें, v एज अ फंक्शन ऑफ x तो आ गया, अब मैं a एज अ फंक्शन ऑफ v कैसे निकालूं, है ना, ऐसे कैसे करें। एक काम करते हैं, मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक तो a एज अ फंक्शन ऑफ v पूछ लेता हूं, एक मैं तुमसे पूछ लेता हूं a एज अ फंक्शन ऑफ x, दोनों करते हैं एक साथ। अगर मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ x करना पड़ता अपना काम खत्म। एक्सेलरेशन का फंक्शन फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt। बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने अचीवमेंट है। इसको ऐसे लिख सकता हूं dv अपॉन में dx, dx अपॉन में dt। क्यों लगा मेरा दिमाग कि ऐसा करूं, क्योंकि v किसका फंक्शन दिया हुआ, x का, t का नहीं दिया। dx अपॉन dt
है ना, और dv by dx पता है क्या मुझे? 1/2 क्या ये पता है मुझे या निकाल सकता हूँ? यहाँ से निकाल सकता हूँ dv by dx, साथ में निकालेंगे क्योंकि ये मुश्किल। अभी सिखाया था चेन रूल, चेन रूल के दादाजी यहाँ लगेंगे अब, अभी पता लगेगा क्यों कहा ये वर्ड मैंने। dv by dx निकालते हैं साथ में, dx v की जगह ये लिखो, क्या आएगा 1/2 alpha x प्लस में बीटा, ध्यान से देखते रहना। d by dx क्या इसको मैं क्या हुआ कहा 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 बेटा, अभी मैंने इतनी इतनी चीज निकाल रहा हूं, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं, है ना, 2 alpha x plus beta की पावर -1। अब कैसे सॉल्व करूं, क्या वो चेन रूल लगा सकता हूं मैं? चेन रूल क्या कहता था, अंदर जो भी पढ़ा उसको क्या मान लो दिमाग में, x, अगर x की पावर -1 होती तो क्या मैं आता था सॉल्व करना? हाँ ऐसे होता था, -1 आगे और x की पावर क्या हो जाती थी, अरे -1 -1 वो आता था n -1 वाला फॉर्मूला पहला, तो ये आ गया मेरे पास -1 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -2। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1/2 alpha x प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, अरे रूट कहां से, हाँ नीचे लेके गया। ओ ये चीज मेरे को ना पता नहीं क्यों देखी देखी सी लग रही है, ये 2 अल्फा x प्लस में बीटा, इसका होल स्क्वायर लिख दूं इसे, ये चीज कहीं देखी हुई सी लग रही है, क्या ये v नहीं थी? ओए कुछ भूल रहे हैं, रुक जाओ, रुको एक चीज भूल गए, चेन रूल पूरा तो लगा लो। चेन रूल क्या कहता था, ऊपर वाले का तो कर दिया, अंदर का तो रह गया, अंदर की डिफरेंशिएशन बताओ, 2 अल्फा x प्लस बीटा, इसकी डिफरेंशिएशन भी तो करनी है, अभी क्या आएगी, 2 अल्फा 0 कितनी आएगी, 2 अल्फा 0। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 2 अल्फा प्लस बीटा की पावर -2, अभी ऊपर ही लिखते हैं, साथ में क्या आएगा, 2 अल्फा x की हो गया 1 और बीटा की 0। ये पूरा तामझाम बना अपने पास, 2 अल्फा अपोन में, क्या ज्यादा मुश्किल हो रहा है, माइनस भी तो आएगा कहाँ पे बेटा, हाँ अभी अभी लिख रहा, अभी लिख रहा, अभी लिख रहा, अभी एक और बार समझेंगे, मेरे को पता है प्राण निकालने वाला है क्वेश्चन। हाँ अरे अभी तो ये ट्रेलर है, वो तो मैंने बताया 30 रिलेशन हो सकते, 30 किसी बुक में ढूंढ लेना, किसी रैंडम बुक में, ये 30 रिलेशन एक साथ नहीं मिलेंगे, ऐसे 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 ढूंढ रखे हैं सारे, अभी पता लगेगा। देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया, टी दे रखा एक्स का फंक्शन, ए निकालना वी का फंक्शन, मतलब कुछ भी है ना, लेकिन निकलेगा, देखो निकालना हमने इतनी मेहनत करी, ये 2 अल्फा ऐसे ही रखा माइनस का, और नीचे ये जो पूरा दे रखा था ना 1/2 alpha का होल स्क्वायर, ये क्या चीज है बेटा, ये तो मेरे को वेलोसिटी लग रही है, पता नहीं क्यों, है ना, अपोन में आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 अल्फा वेलोसिटी की पावर -2। क्या हमने कोई पंगा कर दिया यहाँ पर? हाँ, इनटू में आएगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वी स्क्वायर और यहाँ पे ये, कोई दिक्कत? क्या आंसर? अभी तो मैंने dv by dx निकाला, v तो पहले ही पढ़ा हुआ था, आ जाओ डाल देते हैं, a is equal to कितना आ गया, v पहले ही पढ़ा हुआ था और dv by dx जैसे मर्जी करा, लेकिन आंसर आ गया अपना, a आ गया एज अ फंक्शन ऑफ v, देखो कुछ और दिख रहा है ना, अब तुम कहोगे a एज अ फंक्शन ऑफ x, वो तो यही खत्म हो गया था, ये डाल दो उठा के वैल्यू यहाँ पे, और v की तो पहले ही x की टर्म्स में पता, वो भी निकाल सकते थे, नहीं समझा, v को तो यहां से डाल दो और dv by dx को यहां से डाल दो, लो x का फंक्शन भी आ गया, मुश्किल तो ये था, है हाँ उसके बाद दो स्टेप ही किया ना, मेहनत लगी है ना, घिसे अपने आप को, लेकिन एक बात याद रखना बेटा हमेशा, जिस जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, कल को गूगल पे उसी को ही सर्च किया है, याद रखना है बात को, खर्च किया हमने अपने आप को, मेहनत लगी हमारी, चलो आ जाओ इसको नोट करते हैं। सर मेरा डाउट, हाँ डाउट पूछो अब तो, कहाँ पे, इसमें इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें तो ने चेन रूल लगा लिया, पुट करनी है क्या सर, किसमें, हाँ dv by dx की पुट कर देना सिंपल, हाँ
तो उसके बाद हम आते हैं कि इसका ना एक और मेथड भी हो सकता था। यहाँ पे दिक्कत हुई ना तुम्हें ये वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप को तो पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट अपने पे काम का है, ये वाला काम का है। अब ध्यान से देखो क्या होता है कि हाँ चल गया, हमारे पास क्या है, इसको करने का ना एक और मेथड भी हो सकता था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी अपॉन में डीटी। इसको मैं यहां से भी कर सकता था डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा के, देखो कैसे। अगर मैं यहां से डीवी बाई डीटी निकालना चाहूं तो क्या होगा, डीवी अपॉन में डीटी, ठीक है। किसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ये पूरे की। क्या इसको मैं ऊपर लाके ऐसे लिख लू, टू अल्फा एक्स प्लस में बीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस वन। ध्यान से देखते रहना, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या बन जाएगा, अंदर वाले को क्या मान लूं, अंदर वाले को मान लेते हैं x, तो इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी x, मतलब पूरे को x माना तो माइनस वन आगे, माइनस वन माइनस वन, और डिफरेंशिएशन अब किसकी बेटा, ध्यान से ब्रैकेट की, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस वन 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर माइनस 2, इसकी डिफरेंशिएशन फटाफट बताओ, ये बन जाएगी मेरे हिसाब से 2 अल्फा dx by dt प्लस 0। क्या 0 समझ आया, ये dx by dt मैथ वाले 0 कर देते, हम नहीं करेंगे, वेलोसिटी कहते हैं इसे। हाँ ये चीज क्या है, ध्यान से बताना सोच के, मेरे ख्याल से ये तो पता नहीं क्यों है 1 by v की पावर माइनस 2, कितनी पावर बन जाएगी, माइनस वन। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर बन जाएगी माइनस वन, और यहाँ कितनी पावर है, माइनस टू। ये था क्या वी, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बन गया, वी स्क्वायर। ये क्या चीज है, टू अल्फा, ये क्या है बेटा, सेम नहीं आंसर लग रहा तुम्हें थोड़ा थोड़ा, लेकिन लेकिन दिमाग इसमें ज्यादा लगा है ना, चेन रूल dx by dt पूरा तामझाम आंसर। क्या दोनों कराने थे मेरे को, दोनों कराने, मेरे को तो डिफरेंशिएशन सिखानी है, मेरे को अभी काइनेमेटिक्स नहीं सिखानी, इसलिए तुम्हें दोनों कराए, बचा के रखा था मैंने मेथड। एक और मेथड है कहते हो तो करा दूं, बहुत है ही नहीं और मेरे पास मेथड। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, नेक्स्ट में बेटा दिमाग लगेगा और तुम्हें पसंद भी आएगा क्वेश्चन। ये हमारे पास है, एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के दिखाओ। सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना ही है अभी। मान लो ये ग्राफ तुम्हें दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, तुम मुझे ग्राफ बना के दिखाओ एक्सेलरेशन और टाइम का। पहले नोट करना है क्या, वो वाला ऊपर वाला नोट कर लो अगर करना है तो, वरना करें। हाँ क्या हुआ, हो गया, कहाँ से शुरू करा था आपने, क्या ये वाला मैंने इस स्टेप के बाद शुरू करा था। हाँ इसके बाद ये वाला भी कर सकते हो और वो वाला भी कर सकते हो, अपने काम के दोनों है, अपने काम के दोनों, कभी इससे हमें ज्यादा इजी पड़ेगा कभी उससे हमें ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हमारे पास ग्राफ गिवन है और इसको हमें ड्रॉ करना। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैंने क्या बताया, एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट, बताई थी ये बात मैंने अभी अभी। इसमें स्लोप बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा एक बात, पॉजिटिव नेगेटिव पे आने से पहले, एक्सेलरेशन होता क्या, डीवी अपॉन में डीटी, और डीवी अपॉन में डीटी तो स्लोप नहीं होता शायद, है ना, तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। बात समझ आई थोड़ी थोड़ी, चलो आ जाओ अब बनाना इजी है। इसमें यहां तक क्या है, यहां तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव और कांस्टेंट भी है, चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। मान लो इसका स्लोप था 3, ऐसे ही बोल दे रैंडमली, तो ये 3 था और 3 3 3 3, चेंज नहीं हो रहा। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत यहां तक, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना, और नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो यहां पे भी एक लाइन बना लें। अगर हम नेगेटिव कहां बनाऊं, नीचे, तो मतलब ये ग्राफ सीधा ही नीचे आ गया, ऐसे सोच के देख लो। अरे ठीक तो है, एक तो वो नेगेटिव था, नेगेटिव, और दूसरा वो कांस्टेंट भी था, चेंज भी नहीं हो रहा, तो ऐसे ही तो आएगी लाइन, धीरे धीरे समझेंगे। कहां पे,
बेटा आगे तो आई, इससे आगे तो आई है ना, आगे तो आई क्या हाँ, ये स्लोप है बेटा, यहाँ पे वैल्यू अगर स्लोप की निकालूंगा यहाँ तीन आएगी, यहाँ भी तीन आएगी, यहाँ भी तीन आएगी, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, वो तीन 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 कॉन्स्टेंट रह रही है ना। बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट का तुम बताओ कैसे बनाओ। स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना तुम्हें, इसका स्लोप देखना है सिर्फ, पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट, क्या ऐसे बना दूं? अच्छा इन दोनों का सेम सेम सा नहीं लग रहा स्लोप, पैरेलल लग रही है मेरे हिसाब से तो आंसर है ना, क्या नहीं अलग हो सकते, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऊपर नीचे हो सकती है लाइन लेकिन कॉन्स्टेंट है। एक करके दिखाओगे क्या, ये बढ़िया लगा क्वेश्चन, हाँ एक करके दिखाओ, एक मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ बेटा, एक बढ़िया वाला करें, थोड़ा दिमाग लगने वाला, ठीक है, ऑल दो मैथमेटिक्स का है लेकिन अपने काम आ जाएगा। साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, ध्यान रखना दिमाग में, क्यों पूछा अभी पता लगेगा। पार्टिकल यहां से जंप करके ऊपर चला गया ना, तो जहां से जंप करता है वहां सर्कल बना देते हैं, होलो सर्कल, ताकि पता लगे वहां से जंप करके गया है, और जहां पे जंप करके पहुंचता है वहां पे एक डार्क सर्कल बना देते हैं, वहां पे पहुंचा है। मैथमेटिक्स का काम पढ़ा था ना, डोमेन रेंज में वही वाली चीज है, मैं बताऊं किसका ग्राफ था, ये ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक होता है सिग्नम फंक्शन, साइनम फंक्शन, और एक साइनम सिग्नम या साइनम जो भी कहते हैं, साइनम फंक्शन, एक होता है स्टेप फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे काम के, नहीं मैथमेटिक्स में शायद पढ़ लो तो अलग बात है। तो ये हमारे पास पूरा था डिफरेंशिएशन की कहानी, आगे किसका, ओए इसका एटी में बने, हाँ 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 इसका एटी में बनेगा, क्यों नहीं बने इसका, ऐसा बनेगा ना इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आगे आगे खत्म, एक्सेलरेशन आई नहीं, लेकिन मैडम हमें तो लग रहा है मतलब इतना इजी ग्राफ था, जो सारी जगह कॉन्स्टेंट या वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है ना, हाँ तो ये तो बड़े मजेदार चीजें हैं, इसको और डीप में पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर लगाएंगे इस पे, फिर जितना मर्जी दिमाग खा सकते हो, अभी मत पूछना कि क्यों क्या कैसे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कहां से आ गई, काइनेमेटिक्स में पूरा टाइम देंगे इसे, फिर सीखेंगे आराम से, मजेदार चीज है। कहाँ पे स्लोप देखना, मैं स्लोप 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 है ना, हमें स्लोप देखना, कहाँ हाँ, अगर बेटा मैं ना इसका स्लोप अलग अलग मान के चल रहा हूं, अगर इसका स्लोप भी सेम होता, अगर इसका स्लोप भी सेम होता, ये लाइन ना कुछ यहां ना आके यहीं पे ही आ जाती, अगर इनका स्लोप सेम होता तो, मैंने अलग इसलिए माना ताकि हमें अलग अलग लाइन दिखे, सर्कल तब भी लगाना पड़ता ताकि वो पता लगे कि वहां पार्टिकल मिसिंग था, एकदम जंप करके उसकी वेलोसिटी दूसरी हो गई, ठीक है सर, पॉसिबल तो नहीं है वैसे, है है दिखाएंगे इसका भी रीजन, नहीं वैसे है सच में इसका भी रीजन दिखाएंगे तुम्हें, पता कहां पे कोई चीज थी एकदम एक इंस्टेंट के बाद बिल्कुल चेंज हो गई, हाँ ये तुम्हें दिखाएंगे हम जब करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, और एक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, नहीं कराया ना क्लास में, अब करेंगे अपने सिलेबस में है, ऐसे ग्राफ्स तब तुम्हें दिखेंगे जहां पे ब्रेक आ जाता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम वहां पे, पहले स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा फिर ऐसे हो जाएगा ग्राफ, हाँ ये दिखा, हाँ ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम, 2008 ऐसे ऐसे ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है तो ये चीजें हम करने वाले हैं, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक काम करते हैं बाकी की प्रैक्टिस करेंगे कल, आज यहीं तक रखते हैं ताकि कल हम प्रैक्टिस का दिन रखें, प्योर प्रैक्टिस, आज हमने डिफरेंशिएशन पूरी खत्म कर लिया, पता चला, पता तो ज्यादा ही चला होगा आज कुछ है ना, हाँ आज कुछ ज्यादा ही, लास्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत थी, कौन सा कोस साइन वाला, नहीं उससे पहले, उससे पहले जो आपने हो रही, अच्छा वो जिसमें जान ही निकाल दी थी, वो वाला वो था ही डिफिकल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप कि यहां तक समझ आ गए, ये वाला बेटा मैं स्किप कर दूंगा वीडियो में से, अपना काम का नहीं है, ठीक है बाकी जो देखेगा भी ना वीडियो इसमें परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाला पार्ट स्किप करने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ, बाकी सारी हमारे पास चीजें वैसे ही रहने वाली है कॉन्स्टेंट, और ये अपने काम का नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर बताता, ताकि कोई वीडियो ये जब भी फ्यूचर में देखे वो इसमें चीज में ना कंफ्यूज हो जाए कि ये साइन से कोस कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, काम का होता तो जरूर रखता इसको मैं बीच में, ठीक है सो मिलते हैं फिर कल न्यू प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बाय।